मारा प्यारा हिंदुस्तान। हमें देवता कहते थे सब देशों के इंसान हे गंगा यमुना यहाँ पे है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। हमें देवता कहते थे सब देशों के इंसान। क्या बात है, पहली कड़ी के माध्यम से कवि महोदय ने बताया कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर तीन तीन प्रकार के मौसम होते हैं। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जहां पर तीन तीन मौसम होते हों। किस तरह से क्या बता दिया भला। बड़ी गर्मी सर्दी यहां पड़े रे, गर्मी सर्दी यहाँ पड़े हम सबके सहने वाले। मौसम तीन यहाँ होते अन धन के देने वाले, अन धन के देने वाले। सतलज झेलम ब्रह्मपुत्र से यहाँ दरिया बहने वाले। सबसे ऊंची शान हरी पर कुछ ना कहने वाले, कुछ ना कहने वाले। भरत खंड के रहने वाले हम ऋषियों की संतान। हमें देवता कहते थे सब देशों के इंसान। सांसद माननीय रमेश चंद तोमर जी आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में सीकरी से बहुत लोग आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। रमेश भैया जी है, अपने प्रमोद जी है, प्रमोद शर्मा जी है, जयप्रकाश शर्मा जी है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और ब्रजेश नेहरा जी आए हैं मऊ से, मैं उनका भी जो स्वागत करता हूँ। जितेंद्र चितौड़ा जी का, टेम्पाल जी का, सबका जो स्वागत करता हूं। सत्येंद्र त्यागी जी का जो दूसरी कड़ी के माध्यम से क्या बताया भला। यहाँ गौ के दूध की नहरे बहती रे, गौ के दूध की नहरे बहती हम पी पी के पड़ते। दूध गौ का, दही गौ की, घी में दीवे जलते, घी में दीवे जलते। सब मरी अकल की नकल करे थे, सबके भाग्य उजड़ते। मशीनरी का काम यहाँ घर घर में पुर्जे ढलते, घर घर में पुर्जे ढलते। आसमान में चलते राजा रे, आसमान में चलते राजा विक्रम के विमान। हमें देवता कहते थे सब देशों के इंसान। बड़े बड़े राजनीतिक नीतिकार और बड़े बड़े न्यायाधीश पैदा हुए हैं विक्रमादित्य जैसे। क्या बता दिया तीसरी कली के माध्यम से। सबके नाव यहां चुकते रे, सबके नाव यहां चुक
लागते बड़े बड़े भवन होते थे। मेवा और मिष्ठाने यहाँ सरसबज चमन होते थे, सरसबज चमन होते थे। इसी देश में सीताराम, इसी देश में सीताराम हनुमान पवन होते थे। सभी महात्मा बसते थे यहाँ, नहीं यमन होते थे, नहीं यमन होते थे। यज्ञ हवन होते थे रे अपनी श्रद्धा के समान, हमें देवता कहते थे सब देशों के इंसान, देशों के इंसान। क्या बात है गुरु जी, हमारे बीच में खिंदौड़ा से जयनंद त्यागी जी और ब्रह्मदत्त त्यागी जी आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। राशिद प्रधान जी मछली से आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मेहमदपुर कदीम से मनोज त्यागी जो है अपने साथियों के साथ आए, हरिराज त्यागी, धर्मपाल त्यागी, सुभाष त्यागी, नत्थू जी, पीतम प्रजापति जी है सेक्टर संयोजक, महेश चंद सैन है यूथ अध्यक्ष, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। शिव कुमार तोमर जी है मंडल उपाध्यक्ष अतरौली, उनका भी स्वागत करता हूँ। श्यामपाल मंत्री जी अतरौली है, उनका भी स्वागत करता हूँ। बनेड़े से सलेक्शन जी, सुरेंद्र त्यागी जी और मंगू सिंह त्यागी जी, स्वराज चेयरमैन जी आए, मैं उनका भी जो तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मोहित तोमर पूर्व सभासद वो आए, मैं उनका भी जो है स्वागत करता हूँ। विपिन वत्स, चलो भाई प्रोग्राम जारी रखो, मुझे तो आप बीच में दे दिया करो थोड़ा सा। इसी गीत पे खुश होकर के हमारे धामा जी ₹50 का पुरस्कार देने वाले, बहुत धन्यवाद करते, बहुत बहुत धन्यवाद। चौथी कड़ी के माध्यम से बताया कि पूरे विश्व में जो विज्ञान फैला है, साइंस फैला है, इस विज्ञान की खोज हमारे वेदों से हुई है। हमारे भारत देश में वेदों की कैसी शिक्षा मिलती थी युवकों को, आइए अगली कड़ी के माध्यम से क्या बता दिया भला। चार वेद की विद्या यहाँ थी, चार वेद की विद्या यहाँ थी, सारे में प्रकाश मारकंडे ऋषि वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र खास, विश्वामित्र खास। हरिद्वार में हर की पैड़ी लक्ष्मण झूला के पास, गोरी शंकर गोरा गुरियाणी रहन सहन केला, रहन सहन केला। सुखदेव मुनि और वेद व्यास, सुखदेव मुनि और वेद व्यास, पीरु सबसे ऊंची श्या, हमें देवता कहते थे सब देशों के इंसान, देशों के इंसान। गंगा यमुना यहाँ पे है हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमें देवता कहते थे सब देशों के इंसान, देशों के इंसान।